Hi. Hi guys. It is a fun day. Hi guys. You have golden mama. You have go. You have pole. Hi guys. You color. Hi guys. चलो सब लोग अपना अपना नाम बताओ. My name is Ashish Nirmal Pandey. My name is Jatin Nilaswamy. No, my name is Suresh Sagar Kedari. My name is Aditya Sharma. इसका नाम है ये मेरे नन्हे मुन्ने फैंस है। मैं जब शूट कर रहा था पूछ रहे थे क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, तो उनको दिखा रहा था। अभी तुम लोग भी यूट्यूब में देखेंगे। बाय बोलो बाय। ये है मेरा बाइक। बाइक का कंडीशन देखते हैं, कुछ नहीं हुआ, एकदम परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बाइक को। मेरे को सबसे ज़्यादा यूज़फुल कल के राइड में हुआ जो इसका मोबाइल चार्जर। ये इसका मोबाइल चार्जर है, कभी आपने देखा नहीं होगा कोई बाइक में ऐसा इंटरनल मोबाइल चार्जर बनाया हूँ मैं। ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये रहा इंटरनल मोबाइल चार्जर। किसी को पता भी नहीं चलेगा मैं गाड़ी में मोबाइल चार्जर लगा हुआ है। कभी कभी कैसा है, लोग मोबाइल चार्जर यहाँ लगाते हैं हैंडल होल्डर पे, जब आप पार्किंग में कहीं लगाते हो कोई तोड़ देता है, कोई निकाल लेता है, कुछ भी करता है। तो ये जो इंटरनल मोबाइल चार्जर है बहुत अच्छा है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ऐसा ढक्कन लगा दूँगा उसके ऊपर, किसको पता भी नहीं चलेगा कि बाइक में मोबाइल चार्जर लगा हुआ है क्या नहीं। देखिए, तो ये मेरे को सबसे यूज़फुल रहा राइड में। और आते रास्ते में थोड़ा बाइक के चेन में थोड़ा ऑयल डालना पड़ा, कि थोड़ा साउंड कर रहा था कट-कुट करके, तो मैं थोड़ा ऑयल डाला हूँ, दिख रहे हैं ऑयल। अब मैकविल सब गंदा हो गया, काफ़ी रेत था उधर, तो थोड़ा क्लीनिंग करना पड़ेगा। बाकी कुछ नहीं, बाकी सब ओके है। कहीं लंबा टूर जाने से पहले सबसे पहले बाइक में एक दो चीज़ चेक करना पड़ता है, जो इंजन ऑयल निकलने से पहले न्यू डालो, और दूसरी बात बाइक में टायर्स में हवा परफेक्ट है क्या वो चेक करो, दूसरी बात चेन क्लीनिंग करके ऑयल डाल दो, तो दूसरी बात एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोबाइल चार्जर भी बाइक में इंस्टॉल करना ज़रूरी है, काफ़ी यूज़फुल होता है। और दूसरा ये मिरर्स चेक कर लो कि टाइट है लूज है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है मिरर्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हेलमेट सबसे काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये सब क्या देखना ज़रूरी है राइड पे निकलने से पहले, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सब। ठीक है, तो मैंने ये सब ओके है रखा हूँ मैं, तो राइड में कोई इशू नहीं आया, एकदम परफेक्ट। और दूसरी बात, ये है मेरा ZMR, मैंने फुल टैंक किया था, 1250 रुपीज़ का फुल टैंक हुआ। तो आप यकीन नहीं मारोगे, मैं मुंबई से नासिक गया, नासिक से रिटर्न आया है उधर पुणे, तो अभी भी 70% पेट्रोल टैंक में बचा हुआ है। मैंने चेक किया 70% पेट्रोल, मेरे ख्याल से अभी कोल्हापुर भी पहुंच जाएगा टैंक पे। तो इसकी एवरेज जो है बाइक का जो एवरेज काफ़ी अच्छा है, तो ये मेरे को सही लगा इस बाइक में, करिश्मा ZMR। चलो देखते हैं आगे। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह के 6 बज गया, तो अभी यहाँ से पुणे टू कोल्हापुर का राइड अभी स्टार्ट करना है, तो अभी 6 बज गया, तो काफ़ी लेट हो गया, 6 बजे निकलना था मुझे, तो काफ़ी लेट हो गया। तो ठीक है, अभी निकलते हैं। तो काफ़ी ठंडा है मौसम, तो मैप बता रहा है कि 3 hours 25 minutes बता रहा है, तो चलो निकलते। बाइक बेचारा रात भर बाहर था। अभी बहुत चलना है भाई तुझे, आराम कर ले जितना आराम करना है। फाइनली निकलने की तैयारी हो चुकी है, चलो अभी निकलते हैं। काफ़ी लेट हो चुका है, 8 बज गए, कम से कम 7 बजे तो निकलना चाहिए था घर से, तो काफ़ी लेट हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आराम से जाएंगे, कोई इशू नहीं है। टेम्परेचर एकदम लो है, मज़ा आएगा राइड में।
What we do here is go back, 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 back. ये है कात्रेज घाट है, ये एक्चुअली न्यू रोड है, इसका ओल्ड रोड उस तरफ है, राइट साइड सिटी से आता है। तो मुझे मैप मैडम ने, गूगल मैडम ने तो यहाँ से लाया है। एक्चुअली मेरे को यहाँ से तो कुछ रोड नहीं मालूम, आगे एक टर्नल आने वाला है कात्रेज का, न्यू कात्रेज टर्नल है, आप इसका मज़ा लीजिए, काफ़ी खूबसूरत टर्नल है। मुझे महाबलेश्वर तक थोड़ा बहुत रूट पता है क्योंकि मैं महाबलेश्वर जा चुका हूँ, लेकिन महाबलेश्वर के बाद मुझे बिल्कुल रूट नहीं पता है, क्योंकि महाबलेश्वर के बाद तो गूगल मैडम जो बोलेगी वहीं से जाना होगा। तो फ़िलहाल मैं अभी भी गूगल मैडम जो बोल रही है वहीं से जा रहा हूँ, कहाँ से लेके जा रही है वहीं से ले जा रहा हूँ मैं। तो ये घाट थोड़ा काफ़ी खूबसूरत लगता है, मेन जो है ये घाट, ये देखो आगे ट्रक पलटी हो गया, थोड़ा बहुत रिक्सी जगह है, थोड़ा संभाल के जाना चाहिए कहीं भी। मैं तो ट्रक बस इन लोग से दूर ही रहता हूँ, थोड़ा सा तो दूर ही रहता हूँ इन लोग से, मैं इनके इनसे पंगा भी नहीं लेता हूँ, कुछ नहीं, मैं इनके पास भी नहीं जाता हूँ। थोड़ा ट्रैफिक लग रहा है थोड़ा बहुत, देखते हैं। रोड थोड़ा बनाया है, पहले नहीं बनाता इतना, मतलब अभी एकदम फ्रेश रोड लग रहा है नीचे, तो अच्छा स्मूथ चल रही है बाइक। तो इधर टर्निंग वगैरह ज़्यादा है, ये एक्चुअली क्या चढ़ते हो कि इतना टर्निंग वगैरह है, रिटर्न आते हो आप देखेंगे एकदम स्ट्रेट रोड से उतरता है, तो ऐसा फील ही नहीं होता है कि इतना टर्निंग वगैरह। बारिश में काफ़ी खूबसूरत रहेगा ये जगह, आई थिंक सो। मैं तो बारिश में कभी गया नहीं ये रास्ते से, लेकिन मेरे हिसाब से तो बारिश में लोकेशन काफ़ी खूबसूरत दिखता रहेगा, एकदम मज़ा आता रहेगा, काफ़ी अच्छा रोड है।
आता रहा मैं, तो थोड़ा भूख लग रहा था, तो ब्रेकफास्ट कर रहे, अभी चाय पी रहे। वाह, बहुत टेस्टी है चाय। ब्रेकफास्ट हो गया है, काफ़ी अच्छा मिसल था, बहुत दिनों के बाद ऐसा मिसल खाया मैं, बहुत टेस्टी था। तो सातारा पहुँचे हम लोग, अभी सातारा से भी कोल्हापुर निकलते, काफ़ी लंबा ब्रेक हो गया, लेट भी हो गया, चलो अभी निकलते। मिसल काफ़ी टेस्टी रहा, जब भी आप यहाँ सातारा साइड आएंगे तो आप यहाँ का मिसल खाइए, काफ़ी टेस्टी था, मुझे बहुत मज़ा आया मिसल खाने। तो अभी टेम्परेचर धीरे धीरे ज़्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है, देखते कोल्हापुर में कितना टेम्परेचर होता है। अभी यहाँ से कोल्हापुर थोड़ा बहुत लंबा है, देखते कितनी देर में पहुँचते हैं।